अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे ढाबे पे मिलने वाली रेसिपी। इसे प्याज वाला कीमा कहते हैं। चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने गैस पे एक पैन रख दिया। इसमें आधा कप हमने सरसों का तेल डाल दिया है। इस रेसिपी को आप कोशिश करें कि सरसों के तेल में ही बनाएं। अगर आप सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहते तो आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल खाते हैं आप उसमें बना लें, लेकिन सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है। अब इसमें हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइस में काट के डाल दिया है। अब कुछ सूखे मसालों को हम दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे, जिसमें हमने 2 टीस्पून साबित धनिया ले लिया, 1 टीस्पून जीरा ले लिया है और 5 से 6 आप तेज़ वाली लाल मिर्च ले लें। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले। अब इसका हमने दरदरा पाउडर बना लिया है और यहाँ हमारा प्याज लाल हो रहा है। हमें प्याज को गुलाबी कलर होने तक फ्राई करना है। अब प्याज का कलर हमारा गुलाबी हो गया है तो इसमें हमने 300 ग्राम कीमा डाल दिया है। इसे हमने अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। अब कीमे का कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब कीमे का कलर चेंज हो गया है तो इसमें हमने 1.5 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम अच्छी तरीके से पकाएंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसमें हमने जो दरदरा सा पाउडर तैयार किया है धनिए और जीरे और मिर्च का, उसे डाल देंगे। अब इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस का चूल्हा हमने धीमा कर दिया है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया है। अच्छी तरीके से चला के हम ढक्कन ढक के इसे 12 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और टमाटर को हल्का हल्का चम्मच से क्रश करते रहेंगे। अब हमारे अच्छी तरीके से पक के कीमा 12 से 15 मिनट हो चुका है। अब हमने गैस की आँच को तेज़ कर लेना है और इसकी भुनाई करना है। अब कीमा अच्छी तरीके से भुन चुका है। तेल ऊपर आ गया है तो इसमें हमने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और 1 प्याज को हमने गोल गोल पतला पतला काट लिया है। हमें गोल गोल ही प्याज को काटना है और 1 तेज़ वाली हरी मिर्च ले ली है हमने। अगर आप तेज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च बढ़ा सकते हैं। हमने 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस की आंच को हम दोबारा से धीमा कर देंगे और ढक्कन ढक के इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज को हमें एकदम गलाना नहीं है, बस प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब 7 मिनट हो चुके हैं। अब गैस की चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसी तरीके से हमारी प्याज नज़र आना चाहिए, प्याज को एकदम गलाइएगा नहीं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
इंशाल्लाह आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ या चपाती के साथ किसी के साथ भी खाएं। ये सिंपल से मसालों में इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं। इसे हमने हरी मिर्च से गार्निश कर दिया है। आप इसके ऊपर अदरक के लच्छे भी डाल सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें, और जो नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।